हेलो ऑल, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं ऑब्जेक्टिव वन का, चैप्टर नंबर एट। तो टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, ये स्प्रिंग ए है, ये स्प्रिंग बी है। पहली का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के ए है और दूसरे का के बी है। के बी डबल है के ए का, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। नीचे वाली ए है और ऊपर वाली बी है, ठीक है। अब ये जो है के ए है और बोला है कि के इज ट्वाइस ऑफ के बी, ऊपर वाली के बी है, ठीक है। अब के को मैं छोटा क्यों बनाया हूँ, मतलब ये जो ए स्प्रिंग है उसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा क्यों बनाया हूँ, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों स्प्रिंग को दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाया के रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से कि इनकी जो नेचुरल लेंथ है वो कुछ यहाँ पर होगी, मान लेते हैं कि ये इनकी नेचुरल लेंथ थी, ठीक है। अब सोचो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, जैसे मैं काम करता हूँ के बी को के बोल लेता हूँ और के ए को 2K बोल लेता हूँ, है ना भाई। जैसे इसको मैं के बोल लिया और इसको 2K बोल लिया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, डबल का फ़र्क है ना भाई। लिखा भी हुआ है के ए इज़ ट्वाइस ऑफ के बी, है ना भाई। तो सोचो ज़्यादा स्टिफ स्प्रिंग कौन सी हुई, ये वाली हुई। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा स्टिफ। तो सोचो सेम फोर्स के करस्पॉन्डिंग, सेम फोर्स के करस्पॉन्डिंग इसमें खिंचाव ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ है, ज़्यादा कड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें खिंचाव कम आएगा और इसमें ज़्यादा आएगा, सेम फोर्स के करस्पॉन्डिंग। इसीलिए मैं इसमें जो खिंचाव आया है वो यहाँ तक आया है, जबकि इसमें खिंचाव जो है वो यहाँ तक आया है, ठीक है ना भाई। तो इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन कुल इतना हो गया है, जबकि इस स्प्रिंग का इससे कुछ कम इतना आया है, ठीक। अब इसको मैं मान लेता हूँ एक्स बी और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स ए, ठीक है। अब समझना भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ दी एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग इज ई, इस स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, ई है। कैसे डिसाइड होएगा ये, ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स ए का स्क्वायर लगाएंगे अपन। और एक्स और एफ में क्या रिलेशन होगा भाई, भाई इस पॉइंट को देखो स्प्रिंग के, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना भाई। इस पॉइंट के राइट साइड में एफ फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि के इंटू एक्स ए वुड बी इक्वल टू एफ, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ अपॉन के, ठीक है। सॉरी, यहाँ 2K आएगा और यहाँ पर भी 2K आएगा, क्योंकि नीचे वाली स्प्रिंग का यानी कि ए वाली जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है स्प्रिंग एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। और के एक्स इज इक्वल टू एफ होता है, तो के की जगह में क्या लिख दिया, 2K। तो एक्स ए की जगह क्या आ गया, एफ अपॉन 2K। यहाँ पर मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो ये वन, ये टू टू तो गया, के आ गया, और एक्स ए का स्क्वायर यानी कि एफ अपॉन 2K का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, के एफ स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर, ठीक है। एक के से एक गायब हो गया, के से के गायब हो गया, क्या बचा, एफ स्क्वायर अपॉन 4K। तो ये ई की वैल्यू आई, ठीक है, ये ई की वैल्यू आई। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए। अब बी की अगर मैं बात करता हूँ, बी की अगर मैं बात करूँगा तो लिखूँगा एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी, ठीक है भाई, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसमें एक्सटेंशन कितना माना हूँ मैं, एक्स बी माना हूँ। तो इससे एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई, एफ अपॉन के आ गई। अब एनर्जी इन द स्प्रिंग बी को मैं ई बी बोल लेता हूँ, ई बी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के की जगह के और एक्स की जगह क्या लिखूँगा, एक्स बी, ठीक है। और एक्स बी की जगह क्या रखूँगा, एफ बाई के, तो एफ बाई के का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये एफ स्क्वायर बाय 2K। ये अपना क्या आया है, ई बी आया है, और ये क्या है भैया, ई ए है, ठीक है ना, ई है। तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि
इंटू टू कर दो, इंटू टू कर दो, तो ये चीज़ क्या बन गई, ई बन गई। तो ई बी की वैल्यू क्या हुई, ई इंटू टू, दैट इज 2e, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अपनी फर्स्ट, जो अपनी ऊपर वाली स्प्रिंग है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डबल है जो नीचे वाली स्प्रिंग की है। ठीक है ना भाई, यानी कि ई बी इज ट्वाइस ऑफ ई ए एंड ई ए इज गिवन टू बी ई इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ई ए की वैल्यू ई दे रखी है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, और इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, थोड़ा लग रहा है लंबे में, लंबा लग रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, थोड़ा लंबा लग रहा होगा, पर आप खुद से करोगे तो ये सब जल्दी जल्दी हो जाता है ना भाई। समझाने के लिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, खुद से करोगे तो खड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, पर ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ओरली करने के चक्कर में रहोगे तो सही बताऊँ गलत आंसर ले आओगे, इसलिए इसको ओरली करने के चक्कर में मत रहना, ऐसे ही करो, सबसे बेस्ट ये रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू।